लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर. हु हैज़ रिटन दिस आर्टिकल, ये किसने लिखा है जो आर्टिकल है, चैप्टर है. सो दिस आर्टिकल वॉज रिटन बाय क्रिस्टी ब्राउन हिमसेल्फ. ये क्रिस्टी ब्राउन हिमसेल्फ यानी उन्होंने खुद लिखा है, ये उनकी खुद की स्टोरी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड द राइटर हैव इन ऑल, कितने भाई और बहन थे राइटर के कुल मिलाकर. क्रिस्टी ब्राउन हैड 21 ब्रदर्स एंड सिस्टर, टोटल वो 21 थे. फॉर होम 17 लिव, जिसमें से जो 17 है वो जिंदा रहे. द थर्ड इज वट वॉज द मोमेंटस डिसीजन टेकन बाय द अथर्स मदर दैट वुड ग्रेटली इफेक्ट द अथर्स फ्यूचर लाइफ. वो कौन सा बहुत डिसीजन, विशेष इंपॉर्टेंट डिसीजन, फैसला था जो कि अथर की, जो राइटर की मदर हैं वो लेती हैं, और वो कैसे जो अथर, जो लेखक हैं, उनकी फ्यूचर लाइफ को प्रभावित करेगा, कैसे अफेक्ट करेगा. द मोमेंटस डिसीजन, जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है टेकन बाय अथर्स मदर के द्वारा लिया गया है, वॉज हर डिटर्मिनेशन, कि वो उनका जो दृढ़ संकल्प है वो था टू ट्रीट हिम जस्ट लाइक द अदर्स, कि वो दूसरों की तरह ही उन्हें भी ट्रीट करेंगी. नो मैटर्स हाउ डल और इनकैपेबल ही माइट ग्रो टू बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने अयोग्य या कुछ डल तरीके से, कुछ अजीब तरीके से अगर बड़े होते हैं. इट इफेक्टेड हिज फ्यूचर लाइफ, इससे उनकी जो फ्यूचर लाइफ है वो प्रभावित होगी. बिकॉज ही न्यू, क्योंकि उन्हें पता था दैट शी वुड ऑलवेज बी बाय हिज साइड, वो उनकी तरफ हमेशा रहेंगी, उनका साथ देंगी, बाय हिज साइड उनका साथ देंगी, प्रोवाइडिंग हिम स्ट्रेंथ, उनको ताकत देंगी एंड इंस्पिरेशन और प्रेरणा देंगी. सो द नेक्स्ट इज वट वॉज द मदर शोइंग टू क्रिस इन एन अपस्टेयर रूम वन डे, एक दिन क्रिस की मम्मी उन्हें ऊपर वाले कमरे में क्या दिखा रही थी. वन डे क्रिस्टीज मदर, उनकी मदर, वो शोइंग हिम पिक्चर्स, उन्हें पिक्चर्स दिखा रही थी आउट ऑफ अ बिग स्टोरी बुक, एक बड़ी सी स्टोरी बुक में से. टेलिंग हिम, उन्हें बता रही थी द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड फ्लावर्स, कि उन जानवरों के और फूलों के क्या क्या नाम हैं. द नेक्स्ट इज वट वॉज द ओपिनियन ऑफ द अथर्स रिलेटिव अबाउट हिम एंड हिज फ्यूचर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उनके जो रिश्तेदार थे उनकी क्या ओपिनियन, राय थी लेखक के बारे में, और हिज फ्यूचर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और उनके भविष्य में कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए उसके बारे में उनकी क्या राय थी, उनका क्या ओपिनियन था कि उनको कैसे ट्रीट किया जाए. क्रिस्टीज रिलेटिव सेड, उनके रिश्तेदारों ने कहा दैट ही वॉज एन ईडियट, वो एक मूर्ख है, मतलब उनका दिमाग नहीं है, एंड बियॉन्ड हेल्प, और उनकी मदद नहीं की जा सकती. एंड सुजेस्टेड दैट, और ये भी सुजेस्ट किया दैट ही शुड बी सेंट टू एन इंस्टीट्यूट, उन्हें एक ऐसी संस्था में भेज दिया जाए फॉर द मेंटली चैलेंज, जो कि मानसिक रूप से विकृत लोगों के लिए बनी होती है, मेंटली लोगों के लिए बनी होती है. The next is, what did Chris snatched from his sister's hand one afternoon and why? एक दिन क्रिस ने अपनी बहन के हाथ से क्या छीना और क्यों छीना. क्रिस्टी स्नैश्ड ए स्टिक ऑफ चॉक फ्रॉम हिज सिस्टर्स हैंड वन डे, एक चॉक की स्टिक को उन्होंने अपनी बहन के हाथ से छीना. इट वॉज डन विदाउट थिंकिंग, ऐसा किया गया था लेकिन बिना सोच के, विदाउट थिंकिंग किया गया था. एंड नोइंग एग्जैक्टली वाई ही डिड, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया. नोर वाई ही हैड यूज्ड हिज लेफ्ट फुट टू डू इट, ना ही उन्हें ये पता था कि आखिर उन्होंने अपना दायां पैर इसके लिए यूज़ क्यों किया है. ही जस्ट फेल्ट, उन्होंने जस्ट महसूस किया, सिर्फ महसूस किया दैट ही वॉन्टेड डेस्पिरेटली टू डू वट हिज सिस्टर वॉज डूइंग, कि उन्हें बस करना है वो जो कि उनकी सिस्टर कर रही है. डेस्पिरेटली बहुत ज़्यादा जिज्ञासा से, एकदम से उन्हें इच्छा हुई, तीव्रता से इच्छा हुई. राइटिंग ऑन द स्लेट, और उस स्लेट पर लिखना है. एंड द नेक्स्ट इज नाउ सी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अथर्स इलनेस, व्हेन वाज इट नोटिस्ड एंड बाय होम, जो लेखक हैं उनकी बीमारी क्या थी और ये कब नोटिस की गई, इसको कब उनके नोटिस में आई, एंड बाय होम, और किसने इसको नोटिस किया, इसको पहचाना एक ढंग से. क्रिस्टी ब्राउन सफर्ड फ्रॉम सेरेब्रल पैलेसी, सेरेब्रल पैलेसी इज अ डिसीज जिसमें हमारी जो मसल्स हैं वो डेड हो जाती हैं ऑलमोस्ट. इट वॉज हिज मदर हु फर्स्ट नोटिस, उनकी माँ थी जिन्होंने इसे नोटिस किया था व्हेन ही वॉज अबाउट 4 मंथ्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 4 महीनों के थे.
वट वॉज द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स एंड अदर्स टू द अथर्स मदर? अथर की जो मदर थी उनको उनके डॉक्टर्स ने और बाकियों ने क्या राय दी? डिड शी बिलीव इन इट? क्या उन्होंने उस पर यकीन किया? The doctor said that Christie was a hopeless case. वो एक hopeless, आशाहीन case है. It means इनका कुछ नहीं बन सकता in that sense. And many others told his mother और बाकियों ने उनकी mother को कहा that he was a mentally defective. वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है and would remain so और ऐसे ही रहेंगे. Remain so ऐसे ही रहेंगे. They all said that nothing could be done for him. उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता. But his mother refused. लेकिन उनकी माँ ने मना कर दिया to believe और एक्सेप्ट इट, इसे मानने से और विश्वास करने से, स्वीकार करने से. डिस्क्राइब द एफर्ट्स ऑफ द अथर्स मदर्स टू टेक केयर ऑफ हर स्पेशली एबल्ड सन. अपने अपाहिज हैंडीकैप सन की केयर के लिए जो मदर हैं अथर की, उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए, एफर्ट किए, उन्हें डिस्क्राइब करें. His mother treated Christie just like the others. Mother ने Christie को बिल्कुल दूसरों की तरह ही व्यवहार किया उनके साथ. She loved and cared for all his needs. उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा, उनसे प्यार किया. She piled up pillows to help him to sit. उन्होंने pillows का ढेर लगाया, उसका support दिया उनको ताकि वो बैठ पाए, उनकी help करने के लिए बैठने में. She would show him books with the pictures and say their names. वो उन्हें books दिखाती थी जिसपे picture होती थी और उन्हें कहती थी, उन्हें उनका नाम बताती थी. तो गेट हिम टू रिपीट हिम, ताकि वो उनके पीछे उनको रिपीट करें. She talked and laughed with him for hours. घंटों वो उनके साथ बातें करती, हंसती. She never lost hope. उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोया. That while his body was shattered, his mind was healthy and intelligent. वो ये विश्वास करती थी कि उनकी बॉडी हालांकि shattered है, ठीक नहीं है, बिखरी हुई है, लेकिन उनका जो माइंड है वो बहुत हेल्दी है और इंटेलिजेंट है, स्वस्थ है और ठीक है. She was the one who wrote A on the floor and encouraged him to write it. वही पहली थी जिन्होंने वो जो वर्ड A है वो फ्लोर पर उस फर्श पर लिखा था और इनकरेज उन्हें प्रोत्साहित किया था लिखने के लिए स्लेट पर विद अ चॉक यूजिंग हिज लेफ्ट फीट, अपना दायां पैर इस्तेमाल करके. द नेक्स्ट इज वट इंसिडेंट मेड द मदर ऑफ द अथर क्राई विद जॉय. कौन सा ऐसा इंसिडेंट, ऐसी घटना हुई थी कि जो अथर की मदर हैं वो खुशी से रोने लगीं? When little Christie reached out to gasp one of her curls involuntarily and later when he wrote the letter A for first time using his left foot, his mother shed tears. उनकी मदर रोती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब छोटा सा क्रिस्टी एकदम से उनके बालों को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है unvoluntarily, मतलब ना चाहते हुए भी अचानक एकदम से. एंड लेटर और बाद में जब उन्होंने ए लेटर पहली बार अपना दायां पैर यूज़ करके लिखा तो इन दोनों इंसिडेंट पर उनकी मदर की आंखों में आंसू आ गए. Describe the efforts made by the author to write the letter A the first time. Describe करो कौन कौन से effort प्रयत्न किए गए author के द्वारा जब पहली बार उन्होंने जो letter A लिखा था. Christie's mother wrote A on the floor and asked him to copy it. Christie की mother A लिखती हैं ज़मीन पर और उन्हें कहती हैं कि इसे copy करें. Holding the chalk in his left foot, अपने दाएं पैर में उस चौक को पकड़े हुए Christie jerkily produced a shaky line on the slate. वो स्लेट के ऊपर एक शेकी सी, कांपती हुई सी लाइन बड़े झटके से लिखते हैं. His mother held the slate steadily. वो धीरे से उस स्लेट को पकड़ लेती हैं एंड केप्ट इनकरेजिंग हिम टू राइट एंड राइट अगेन. उन्हें उत्साहित करती रहती हैं कि वो लिखें और दोबारा लिखें. विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पता के साथ ही स्टिफेंड हिज बॉडी. वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, स्टिफ करते हैं, अकड़ा लेते हैं इन द सेंस. एंड पुटिंग आउट हिज लेफ्ट फुट, अपना दायां पैर बाहर निकालते हैं. फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार ड्रू वन साइड ऑफ द लेटर, लेटर ए का एक तरफ का साइन या एक तरफ की लाइन बनाते हैं. एंड देन द अदर साइड, फिर दूसरी तरफ की. द चॉक ब्रोक, चॉक टूट जाता है. द लिटिल क्रिस्टी वांटेड टू गिव अप. लिटिल क्रिस्टी, छोटे से जो क्रिस्टी हैं वो छोड़ देना चाहते हैं, यानी वो हार मान लेते हैं. इन फ्रस्ट्रेशन पूरे वो उकता जाते हैं.
फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट हिज़ मदर्स हैंड ऑन ही शोल्डर्स, लेकिन उनकी जो मदर का हाथ होता है उनके कंधों पर, इनकरेज्ड ही वो उन्हें फिर उत्साहित करता है। एंड ही स्ट्रेंड हिज बॉडी, वो अपनी बॉडी से पूरा जोर लगाते हैं, शेकिंग, हिलाते हैं, स्वेटिंग, उन्हें पसीना आ जाता है। क्लेंचिंग हिज हैंड, अपनी हाथों को जकड़ लेते हैं, टिल हिज फिंगर नेल्स बिट इन टू हिज फ्लैश, जब तक उनकी जो उंगलियों के नाखून हैं वो उनके फ्लैश में, उनकी स्किन में नहीं चले जाते। एंड सेट हिज टीथ हार्ड टिल दे पियर्स्ड हिज लोअर लिप, और अपने दांतों को बहुत तेज़ी से जकड़ लेते हैं जब तक कि उनका जो लोअर लिप है वो उस पर कट नहीं लग जाता एक ढंग से। डिजी विद द एफर्ट्स, और बिल्कुल थके हुए अपने एफर्ट से, ही फाइनली ड्रू द लेटर ए, फाइनली वो ड्रॉ कर देते हैं लेटर ए द फ्लोर विद ऑकवर्ड, बहुत अजीब से वॉबली साइड्स, कांपती हुई साइड से, इन इवन सेंटर लाइन, और जो सेंटर लाइन है ए की बड़ी अन इवन होती है, यानी कांपती हुई ए की दोनों साइड से, जिसकी सेंटर लाइन बहुत अजीब सी है, अन इवन सी है, वो आखिर में ए लेटर जो है लिखना लिख पाते हैं। बट इट वॉज द लेटर ए, कैसा भी था फुल लेटर ए था, मीन्स एट लास्ट ही वॉन द बैटल।